नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी से खबर सामने आ रही है, नजर डालते हैं इस खबर पर, हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अब देखिए ये क्या हो रहा है। बेखौफ बदमाश राहगीरों पर जानलेवा हमला कर मौत के घाट उतारने की फिराक में। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बाइक सवार पीड़ित अब्दुल रहमान किसी काम से अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था, तभी बेखौफ बदमाशों ने अब्दुल रहमान को 10 से 15 लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया। चश्मदीद गवाह फैजान ने दिया सनसनीखेज बयान कि बेखौफ बदमाशों से वह अपने दोस्त की जान की भीख मांगता रहा, पर बदमाश सुनने को तैयार ही नहीं थे। वहीं पीड़ित के पिता फखरुद्दीन ने लखनऊ पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई बेखौफ बदमाशों को पकड़कर जेल भेजने की। तो वहीं आपको बता दें, थाना बाजार खाला में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, जिनके नाम है विक्रम साहू, आशीष गुप्ता, अमन साहू, अरविंद साहू, चंदन शुक्ला, पवन व अज्ञात 10 से 12 लोग। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, बदमाश अभी भी पीड़ित के पिता को धमका रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लें। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। कुछ लोगों ने आपके ऊपर इस कदर ऐसे हमला किए? सर, बस हम लोगों ने मोड़ पे गाड़ी मोड़ी, थोड़ी आगे बढ़े थे, मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, इसका टायर थोड़ा स्लिप हो रहा था। बस कुछ लोग आए, मारने लगे मुझे, सर पे देखिए डंडा मार दिया मेरे, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद भी मुझे मारते रहे, मेरे फ्रेंड वहाँ बता रहे थे लोग बेहोश होने, लकड़ी डंडा रॉड सब। क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं हुआ सर, बाइक बस स्लिप हुई थी मेरी। बाइक स्लिप हो गई जी सर, मारने लगे वहाँ के लोग। कौन लोग थे आपके जो हमला किया हुआ? सर मैं बेहोश कर दिया था, मुझे पहले डंडा मार दिया था, मैं बेहोश ही हो गया था पहले। उनको जानते हैं आप कुछ? सर मैं नहीं जानता, मेरे साथ बैठा है फ्रेंड, मेरे साथ था, वो सबको जानता है, मैं बेहोश कर दिया था मुझको। अच्छा अच्छा, तो मतलब लोहे के डंडे से लकड़ी से आपको मारा? जी बहुत मारा था। हादसा बस यही था कि आपकी गाड़ी से निकल गई? बस हादसा इतना था, पुलिस वालों के सामने भी मार रहे थे। पुलिस वाले थे वहाँ पे मौजूद थे? जी हाँ। लोगों ने नहीं बचाया आपको? वो बचा रहे, उनके सामने भी मार रहे। लेकिन अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे आपसे? पुलिस वाले मुझसे बोल रहे बेटा हम निकाल रहे हैं, उनको जान से मार लेते हैं। उसमें कुछ पता नहीं क्या था सर उनको हमसे प्रॉब्लम। अच्छा, पुलिस वालों ने कहा हम आपको बचा लिए वरना वो आपको मार देते जान से? जी, और पुलिस वालों के सामने मार रहे थे बम को। अच्छा, और क्या, और आपने FIR कराई? FIR कराई है बड़े भाई ने, कोई सुनवाई नहीं सर। उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, आज एक हफ्ता हो गया सर कोई कार्रवाई। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि इस पर क्या कार्रवाई हुई? सर बस यही कहना है, मुझे न्याय दे बस, और कुछ नहीं सर, और क्या कहूँ। उनकी गिरफ्तारी वगैरह बस? जी हाँ, मैं चाहता हूँ जैसे मेरे तकलीफ है, मेरे घर वाले परेशान हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और आपकी चोटें कहाँ कहाँ लगी? सर पे मारा है, पैर पैर हाथ तोड़ दिया, हाथ टूट गया, पैर भी टूट गया, नस कट गई पूरी पैर की, पैर की नस कट गई। हाँ, 1 साल बोले लगेगा, रॉड पड़ा इसके अंदर। अच्छा, फैजान नाम है मेरा। आप फैजान, क्या हुआ था कि जो उस दिन इस तरीके का बड़ा हादसा हो गया जिससे कि आपके साथी के पैर टूट गया, हाथ टूट गया, क्या ऐसा हुआ था जो वो लोग भीड़? हाँ, वहाँ मेरे दोस्त जा रहे थे गाड़ी से जी, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, हम लोग गिरे वहाँ पे, औरत लोग, हम लोग गिरने के बाद में जब हम लोग उठे हैं, जो औरत चिल्ला रही थी तो हम लोग उनको देखने लगा काय के लिए चिल्ला रही हैं, तो जैसे हम लोग उठे हैं तो एक आया, एक नाम का अरविंद नाम का लगा, उसने अब्दुल के सर पर राड मारा, वो वहीं पे गिर गया। जब हम उसको पकड़ने के लिए गए तो 10-12 लोग वहाँ पे आए, तो उसको हमको पकड़ लें कि इसको बचाएं ना, इसको बेहोश होने के बावजूद इसको मारा था, इसके सर पर राड मारा है, लकड़ी से मारा है, हमको मारा, और हमारा गला तक के दबाने के लिए एक आदमी आ गया था, उसका नाम नहीं जानते हम, उसका नहीं क्या नाम था, मोटा मोटा आदमी था, तो हमारा गला दबाने के लिए आ गया, तो वहाँ पे जब हमारी खासियत लगी तो उसने हमको छोड़ा। जब हम भाग के फिर अब्दुल के बचाने के लिए गए, फिर हमको आगे पकड़ लिया, फिर इसको मारने लगे, ये बेहोश था यहाँ पे, बेहोश था, हाँ वहाँ पे बेहोश था, इसके सर पर कहे से मारा है, लकड़ी का डंडा था, लोहे का राड था, और भी लोग थे, उसमें से सबसे पहले जो आया था वो पवन नाम का आदमी था, पवन का भाई एक सुधीर है वो आया था, फिर उसके बाद एक अरविंद नाम का आदमी आया था, फिर उसके बाद अतुल आया है, सब एक साथी थे मतलब जिन्होंने मारा है, अतुल है, पवन है, सुधीर है, और अतुल, पवन, सुधीर और विक्रम नाम का लड़का है, विक्रम, हाँ वही लोग ने। गिरफ्तारी हुई नहीं उसकी? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस यही कह रही है आज उठाएंगे कल उठाएंगे, भाई टाल ली अब से। अच्छा, तो वहाँ पे पुलिस वाले भी थे जब? हाँ, पुलिस वाले भी आए थे वहाँ पे, जिस हादसा हुआ हम लोग मान लिया, उसके आधे घंटे बाद पुलिस वाले आए थे, तो भी हम लोग को
पुलिस वालों के सामने वो लोग मारने के लिए आ रहे थे। तो पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? पुलिस वालों ने ये कहा कि हम लोग आ गए, बचा लिया, इन्हें तुमको मार देते, जान से मार देते। भैया ऐसा हुआ कि मेरा भैया जुमेरात की रात में करीब 9:30 बजे मैंने फ़ोन करा, भैया कहाँ हो तुम? कहने लगा भाई आ रहा हूँ। तो वैसे वो अब वहाँ से चला और पता नहीं कैसे बेदीगंज के पीछे लड़कों ने जो है उसको पकड़ लिया और उसको ना पूछा, अच्छा उसकी दाढ़ी थी, उसके बाद उसे ना पूछा, उसने कहा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा अब्दुल रहमान मेरा नाम है। बस वो समझ के सब जगह पीटने लगे, उसका गाड़ी गिर गई थी उसकी, उसी में जो है गाड़ी स्लिप हो गई थी। उससे और भी कोई मतलब किसी को चोट लगे वो उठाने लगा, कहने लगा भैया गलती हो गई है, चलो हमें डॉक्टर के ले चले। उन लोगों ने पूछा क्या नाम है, उसने कहा अब्दुल रहमान। उसी देर में जो है उसको मारने लगे और हम तो वहाँ थे नहीं, वहाँ के लोगों ने बताया हमें, वो मतलब तमाम मतलब हिंदू भाई भी थे, उन लोगों ने बचाया उसको और कुछ लोगों ने मारा, कहने लगे क्या आप मार डालोगे क्या? तो किसी रात चलने वालों ने फिर पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस के सामने भी मारा, पुलिस वालों ने फिर लाठी चलाई है, तब उन लोगों ने छोड़ा। अच्छा हमें पता ही नहीं था, वो तो जब हम लोग थे वो मेहंदीगंज के थे, अब हमें नहीं नाम नहीं मालूम, कुछ लोगों ने जो है लोगों ने देखा वो बता रहे हैं फला 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 से, और नाम हमें नहीं मालूम है। हाँ फोटो उनकी आई है, फोटो ने हाँ फोटो दी है मुझे कि भाई ये लोग थे। पुलिस ने अब तक की क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई, पुलिस आश्वासन दे रही है कि हम आप आज पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, ये केस लगाया, ये केस लगा, मगर कुछ कुछ सुनवाई नहीं हो रही। भाई जुमेरात से लेख ले समझ लीजिए आज कौन सा दिन हो रहा है, हाँ तो इससे दिन हो गए आज तक की कोई मतलब वही नहीं हो रहा। भाई परसों भी मैंने बात हुई तो कहने लगे सब आज छापा डालेंगे, आठों का मेला, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कोई मतलब कर रही है क्या नहीं कर रही ये हमें नहीं मालूम है, अब पुलिस के ऊपर है। क्या मांगे आपकी पुलिस? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ है भाई किसी और बच्चों के साथ ना हो, और दूसरी बात ये है कि जो भाई करीस है तो कुछ थोड़ी सजा उसको इसलिए मिलनी चाहिए कि आगे से उनकी हवा ना खुले, कोई ऐसा काम ना करे। भाई वो भी देश के हैं, हम लोग भी देश के हैं, नहीं पुलिस उन लोग दबंग लोग हैं इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो भी सकता है, हम इस बात को नहीं कहते कि ये नहीं बात है, और कुछ भी हो सकता है। आजकल तुम पता नहीं क्या माहौल बन गया है कि उस कहने को नहीं होता है। यही हम लोग सब भाईचारे से रहते हैं, यही नहीं कि वही हमारे तमाम हिंदू भाई रहते हैं, हमारे जानने वाले तमाम हमारी मदद कर रहे हैं, तब ऐसा नहीं कि सब एक तरफ ही, कुछ लोग होते हैं जो हमारी तरफ भी हो सकते हैं, उनकी तरफ भी हो सकते हैं, जो देश को बिगाड़ कर रहे हैं। बस हम ये जानते हैं कि देश हमारा अच्छा था, वैसे रहे जैसे पहले था, वैसे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए। तो आपका जो लड़का है उसके मतलब कहाँ कहाँ चोटें? अरे चोटें उसके तो हम बता नहीं सकते, कोई जगह ऐसी नहीं थी जो हाँ उसके चोट ना लगी हो, पूरा शरीर आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि सर से सर में टाके लगे, नसें काट दी, हाथ तो 3 जगह से तोड़ दिया, ये पैर चल नहीं पा रहा है, मतलब कैसे हाँ पैर भी टूटा हुआ है, मतलब उसको आप देख सकते हैं, मीटर जाके अंदर से उसकी बोल ले सकते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट कर देख लीजिए मेरी। वो तो ऊपर वाले के कहते नहीं जिसको मारे जिसको मतलब रखे साइया मार सके ना कोई, ये हुआ बस उसके साथ। क्या नाम है आपके लड़के का? मेरा भैया का नाम है अब्दुल रहमान। अच्छा उसी के साथ यह हादसा? हाँ उसी के साथ हुआ, बस हम क्या कह सकते हैं भाई, आप लोग जो भी से हो सके उसकी मदद करिए भाई, और क्या करें बस, और कुछ नहीं, ये हम चाहते हैं कोई कानूनी कार्रवाई हो कि आगे से किसी के कुछ बच्चों के साथ ना हो पाए, ये मेरा हवा कहना। प्रशासन से क्या कहना चाहते भाई? पुलिस प्रशासन से यही है कि वो अपने स्तर से बेहतर जो कर सकें वो करें भाई, उनके साथ में कार्रवाई करें कुछ, हाँ जी विस्तारित कर लें ताकि मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आगे साथ किसी के ना हो भाई, ये हमारा कहने मतलब है जी। और कुछ नहीं कि किसी के साथ और ना हो, वो भी बच्चे देश के हैं और ये भी हैं, पर मिलजुल कर रहें सब जने, हमारा यही विचार है।